देख रहे न्यूज 18 राजस्थान, आपके साथ मैं हूं आसिफ। कांग्रेस का मिशन 2023, पीसीसी वॉर रूम में चलेगा मुलाकातों का दौर। सुखजिंदर सिंह रंधावा कांग्रेस कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। जयपुर के दौरे पर हैं रंधावा, कांग्रेस नेता कार्यकर्ताओं से मुलाकात। कांग्रेस सह प्रभारी अमृता धवन भी जयपुर में है, खासा कोठी में लोगों से कर रहे हैं मुलाकात। थोड़ी देर बाद कांग्रेस वॉर रूम जाने का कार्यक्रम। काजी निजामुद्दीन, वीरेंद्र सिंह राठौड़ दिल्ली लौट चुके हैं। तो अभी खासा कोठी के होटल में मौजूद हैं अमृता धवन और कांग्रेस प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर रहे हैं, कांग्रेस नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं, सबसे फीडबैक लिया जा रहा है। दो सह प्रभारी दिल्ली लौट चुके हैं। बाबूलाल धायल हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बात करते हैं। बाबूलाल, पिछले कई दिनों से चाहे वो प्रदेश प्रभारी रंधावा हो या फिर दिलीप सिंह हो या फिर अमृता धवन हो या काजी निजामुद्दीन हो, हर जिले के दौरे पर हैं, सारे विधायकों और मंत्रियों के साथ इनकी मुलाकातें हो रही हैं। आज कौन से लोग हैं कांग्रेस के जिनसे मुलाकात का दौर चल रहा है खासा कोठी में? क्या अभी कुछ विधायक या मंत्री बाकी रह गए हैं? जी देखिए, सुखजिंदर रंधावा पहले सिविल लाइन में थे और अब सर्किट हाउस पहुंच रहे हैं, तो उनके साथ में विधायक हैं, कार्यकर्ता हैं, ये मंत्रणा कर रहे हैं। और इस वक्त अमृता धवन ऐसे प्रभारी वो खासा कोठी में है और वो कांग्रेस के वार रूम जा रही हैं। तो एक कांग्रेस ने माहौल बनाया पूरे प्रदेश में कि हम सत्ता में फिर से वापसी कर रहे हैं, इसलिए एक्टिव मोड में पार्टी नजर आती है। इनके सह प्रभारी जिलों के दौरे करके आ रहे हैं, प्रदेश के प्रभारी सीएम के साथ मीटिंग कर रहे हैं, सह प्रभारी की बैठकें हो रही हैं, दिल्ली तक रिपोर्टें लगातार जा रही हैं। तो चुनाव से पहले एक माहौल इस तरह का बनाया जा रहा है जिसमें पिछली दो बार जो लगातार हार हुई थी अशोक गहलोत के सीएम रहने के बाद में, तो उससे पार पाने की कोशिश है। पार्टी को लग रहा है कि जो पिछली बार गलतियां हुई थी उनको तलाश किया जाए, इसलिए ग्राउंड की रियलिटी चेक जा रही है। जो जमीन पे जो हकीकत में वर्कर है उसको टिकट देने की पार्टी कोशिश करेगी, और जो नेता सिफारिश के दम पर टिकट के लिए दबाव बनाएंगे, इस बार शायद कांग्रेस पार्टी दबाव में ना आए। टिकट का फॉर्मूला बदल दिया है कि सिफारिशी लोग जो है वो पार्टी एडजस्ट नहीं करेगी, इसलिए कई दौर के सर्वे होंगे, नेताओं के फीडबैक होंगे और न्यूट्रल ओपिनियन जो है वो ज्यादा मैटर करेगा पार्टी के टिकट तय करने में। इसलिए इस बार जो है कांग्रेस पार्टी ने तय किया है कि वो न तो किसी के दबाव में आएंगी, ना कोई सिफारिश लेगी, जो धरातल पे काम करेगा, जनता जिसको चाहेगी उसको वो उसको टिकट समाएगी ताकि वो परफॉर्म करे, वो चुनाव जीते। और जिन सीटों पे लगातार पार्टी हार रही है दो चुनाव जहां पर, तो जिनको टिकट देंगे उनके टिकट रिपीट नहीं होंगे तीसरी बार, वहां पर नए चेहरों की तलाश हो रही है। इसीलिए ये जो सह प्रभारी ये जिलों के दौरे कर रहे हैं, प्रदेश के प्रभारी को रिपोर्ट कर रहे हैं और उनके साथ में बैठे गोविंद डोटासरा और फिर सीएम भी जो है फीडबैक इनसे ले रहे हैं, तो चीजें चल रही हैं। बड़ी एक्सरसाइज है कांग्रेस पार्टी की इस बार, उनको लगता है इतनी योजनाएं दी हैं, आम जनता को सीधे फायदा दिया गया है, तो अब कोई कारण नहीं बनता कांग्रेस की निगाह में कि जनता उनको चुनाव हराए। तो सारी जो चीजें हैं वक्त के साथ में दुरुस्त करने की कोशिश है, और उस कड़ी में नेताओं के दौरे लगातार चलते रहेंगे, मुलाकातों का दौर चलता रहेगा और आम जनता के बीच में यही संदेश दिया जाएगा कि कांग्रेस पार्टी इस चुनाव को जीतने के लिए लड़ेगी और योद्धा जो होंगे विनिंग होंगे। महत्वपूर्ण सवाल यह है कि तीन सह प्रभारी और एक प्रभारी, इन सबकी रिपोर्ट्स क्लब की जाएंगी, इन सबकी रिपोर्ट को इकट्ठा किया जाएगा, तीनों सह प्रभारी अपनी रिपोर्ट प्रभारी को सौंपेंगे और प्रभारी ये सारी रिपोर्ट ले जाकर जो है वो दिल्ली के अंदर इस रिपोर्ट पर खड़गे के साथ संभवतः चर्चा करेंगे या पार्टी आलाकमान के साथ चर्चा करेंगे। तो क्या इस पूरे फीडबैक में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को शामिल किया गया है? उनकी रायशुमारी जो है वो काम करेगी इस पूरे फीडबैक के अंदर या उनको इससे अलग रखा गया है? जी बिल्कुल, अलग रखने की तो कोई बात ही नहीं है क्योंकि सारा जो फीडबैक आता सब लोग मिल बैठ कर उस पर चर्चा करते हैं। लेकिन इसके अलावा भी कांग्रेस ने एक प्रयोग इस मर्तबा किया है, जिलों में पर्यवेक्षक लगाए हैं, जो बड़े रणनीतिकार नेता हैं जो दूसरे स्टेट के हैं उनको अभी से जिम्मेदारियां दे दी गई हैं, तो वो जाके और सारी चीजें वो देख रहे हैं। ऐसा नहीं है कि प्रदेश के सह प्रभारी ने रिपोर्ट दे दी और उसी को सत्ताई मान करके पार्टी आंखों उनके किसी के पक्ष में टिकट आज से ही तय करना शुरू कर दी। अभी नहीं, अभी कई दौर
की एक्सरसाइज है ये। अभी तो शुरुआती दौर है जिसमें वो कार्यकर्ताओं को देख रहे हैं, जो विनिंग चेहरे हो सकते हैं उनके ऊपर उनकी निगाहें जा रही हैं, जनता किसको पसंद कर रही है, जनता किनसे नाराज है, कौन से एमएलए को रिपीट किया जा सकता है, कौन से एमएलए का टिकट काटा जा सकता है। तो युवाओं पर ज्यादा फोकस है इस बार पार्टी का, और जो उम्रदराज नेता हो गए हैं जिनमें जीतने का मादा नहीं है तो उनको वो साइडलाइन करेंगे, उनको कन्विंस भी किया जाएगा कि देखिए आप जो है पार्टी की आपको जरूरत है लेकिन जनता आपके साथ नहीं है, इसलिए आप जो है ज्यादा दबाव मत बनाइए और पार्टी का साथ दीजिए ताकि हम आपका सम्मान रखें जब सरकार आ जाए। तो बहुत सारी चीजें हैं जो चलती रहेंगी, हर जिले के लिए अलग से एक पर्यवेक्षक जाएगा तो वो और माहौल बनाएगा, वो और अपनी निगाह से देखेगा, सच्चाई को जानने की कोशिश करेगा और फिर सारी जो रिपोर्ट्स हैं उनमें देखा जाएगा कि कॉमन नाम कौन से आ रहे हैं, कौन लोग ऐसे हैं जिनका सबकी रिपोर्टों में जिक्र हो रहा है, तो वो जो चेहरे होंगे पार्टी उनकी तरफ झांकेगी, उनको टिकट थमाएगी और फिर हो सकता है वो संघर्ष करें और मुकाबले में यानी बाबूलाल आप कहना चाह रहे हैं कि जो इस समय सारे फीडबैक की जो रिपोर्ट है वो मौजूदा विधायकों के टिकट काट सकती है अगर नए चेहरों की बात आप कर रहे हैं तो? बिल्कुल, क्योंकि एंटी इनकमेंसी जो है उसे पार पाने का एक ही तरीका होता है कि जिसको जनता पसंद नहीं कर रही उसका आप टिकट काट दीजिए, नया चेहरा आएगा तो जनता का जो गुस्सा है वो खत्म हो जाएगा। एक प्रयोग है जिसको बीजेपी हमेशा काम में लेती रही है, कांग्रेस भी शायद अब इसे आजमाएगी। कांग्रेस टिकट कम काटती है, टिकट तो काटती है लेकिन इतने टिकट नहीं काटती है कि ज्यादा युवाओं को मौके मिल जाए, ऐसा नहीं होता। कांग्रेस क्या की परंपरागत तौर पर चलने वाली पार्टी, वो ढर्रे पर चलती है, वो नए प्रयोग कम करती, लेकिन अब जिस तरह की स्ट्रेटेजी चल रही है, जिस तरह की स्ट्रेटेजी प्लान करके और जो रणनीतिकार उनको सलाह दे रहे हैं, सीएम भी उसी रणनीति पर काम कर रहे हैं और ये जो तमाम आप जो सह प्रभारी और ये जो ऑब्जर्वर्स आ रहे हैं ये भी उसी दिशा में काम करते हुए देख रहे हैं, क्योंकि पार्टी का आलाकमान ये मान रहा है कि राजस्थान उनके साथ में जो है वो उनको साथ देगा, रिपीट हो सकती है यहाँ पे सरकार। जब ये दिमाग में दिल्ली से लेकर जयपुर तक चल रहा है तो बहुत चीजें सोच समझ कर इस बार ग्राउंड पर इम्प्लीमेंट उन विधायकों को लेकर बात होगी पिछले दो सालों के अंदर जिन्होंने समय समय पर पार्टी को आंख दिखाई, ये तो लगातार चलता रहेगा क्योंकि जो लॉयल्टी है वो स्विच हो जाती है और फिर जो नेता वक्त के साथ में बदलते रहते हैं, लेकिन इस मरतबा जिस तरह का माहौल हम समझ रहे थे ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा वो होता हुआ अब दिख नहीं रहा है। कल भले ही राजेश पायलट की पुण्यतिथि है, वहां पर मजमा जुटेगा, काफी लोग आएंगे, लेकिन पहले ये कयास लगाए जा रहे थे कि कोई वहां पर नई पार्टी का ऐलान हो जाएगा, अभी तक उसकी कानो कान कोई खबर नहीं है क्योंकि पायलट का भविष्य कांग्रेस में और कांग्रेस नहीं चाहती कि एक युवा नेता उनसे दूर चला जाए। दोनों की मजबूरियां हैं, कांग्रेस की भी और पायलट की भी, कि वो एक दूसरे को फिलहाल नहीं छोड़ सकते, इसलिए लगता है ये साथ बना रहेगा। अपनी जो मजबूरियां हैं सियासी मजबूरियां नेताओं की वो पार्टी में रहने पर मजबूर भी कर रही है उनको, इसलिए अभी जो है काफी कुछ होना बाकी है, लेकिन फिलहाल यही लग रहा है कि पार्टी यूनाइट होकर चुनाव लड़ेगी और सब कुछ वक्त के साथ में दूर होता हुआ दिखेगा। शुक्रिया बाबूलाल तमाम जानकारी के लिए। और ये बड़ी खबर जोधपुर से, आज जोधपुर का दौरा करेंगे गजेंद्र सिंह शेखावत।